सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो जिस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप नहीं करी है, मशीनर्स क्लासेस आपको अब डे हरदम जॉब की पर्पस से और अप्रेंटिस पर्पस से आपको बताते रहेगा, ठीक है, जो आपकी वीडियोस पे पढ़ती रहेगी आप लोग के उस पर। अगर आप लोगों को जिसको भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के जरिए आपको अगर विद्युत विभाग में, छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग में अगर आपको जॉब या अप्रेंटिस के तहत जाना है, अप्रेंटिस करने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जब वैकेंसी निकलती है तो आप बिल्कुल वहाँ के जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी आई है, अप्रेंटिसशिप आई है, जिस लड़के ने भी अप्रेंटिसशिप नहीं करी है वो आराम से बिल्कुल वहाँ अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, अभी ग्रेजुएट अप्रेंटिस है एक्चुअली ये, बट ये कि हम लोग की ITI की अप्रेंटिस है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए भी, लेकिन हम लोग चलते हैं ITI की ओर, क्योंकि हम लोग ITI बेस पे हैं, ठीक है। देख लीजिए, ITI बेस के जैसे स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए हैं 20 हैं, फिटर के लिए है, बिल्डिंग मैन टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए है 4 हैं, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी बकायदा टर्नर प्लम्बर वेल्डर वायरमैन सबके लिए अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ITI जो किए होंगे उनके लिए है, अगर ITI आप किए हैं तो बिल्कुल ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 8,100 रुपये आपको प्रति महीना वो देंगे खर्च आपको, ठीक है। वहाँ पर रहेंगे आप, जो भी शासन के अनुसार वहाँ पर आपको वहाँ रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, आरक्षण का ये मामला दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है कि पात्र उम्मीदवारों का चयन अहकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों साक्षरता, इंटरव्यू भी होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम वगैरह का हमें लग रहा मामला नहीं है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम वगैरह का मामला होगा तो फिर आप लोग वो देख लीजिएगा, बट अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे अच्छा बड़ा मौका है। या इस और एक बात आप मैं बता देता हूँ कि अगर इसमें अगर आप पावर हाउस वगैरह में अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपकी जॉब फिलहाल बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को पहले तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, ठीक है। जिसको अप्रेंटिसशिप करनी है बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है आराम से, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी गांव का लड़का बच्चा है, अगर उसको फॉर्म ये भरना है तो बिल्कुल आप मशीनिस्ट क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सअप जो नंबर है आप उस पर जाके बात कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी हेल्प करी जाएगी। वहाँ पर कुछ चार्जेस लगेंगे, बस आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, बकायदा मैं आप यहाँ कुछ बता देता हूँ, 10वीं और 12वीं की अंक सूची की 4 प्रति लगेगी, फोटोकॉपी लगेगी, ITI डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगेगी, अनुसूचित जो जाति से रिलेटेड होगा वो, छत्तीसगढ़ के निवासी प्रमाण पत्र जो लगेगा, जो है या नहीं भी है, ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड और आपको जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग के लिए मैं लेके आया था पावर हाउस की अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पावर स्टेशन से था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप लोग लगातार लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से डेली पढ़िए, पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप 100% जॉब की तैयारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे आप मशीन क्लासेस आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।